गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपको जो बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, वो कैसे लिखना रहता है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम सेंटर कोड क्या है, दिन क्या है, डेट क्या है, आप सेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे फिल करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं, क्योंकि इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो एग्ज़ाम की इग्नू की एग्ज़ाम की जो आंसर शीट है उसका पहला जो पेज है जिसमें हमें अपनी डिटेल लिखनी होती है, फुल पूरी लिखनी होती है, उसको हमें कैसे फिलअप करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आपको कैसे फिलअप करना है और आप किसी चीज़ को अगर फिलअप कहां से करोगे वो आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा। फ्रंट पेज हम कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आप एग्ज़ाम इग्नू में एग्ज़ाम देने तो इस तरह से क्या मिलेगी आपको, एक आंसर शीट का पहला पेज ऐसा रहेगा, पूरा जो पेज रहेगा पूरा ऐसा रहता है, ठीक है, पूरा ऐसे ही पेज रहेगा, इस तरफ आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है, इस साइड जो यहाँ पर ग्रेड वाला है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये टीचर के लिए इस बारे में कुछ नहीं करना है, इस तरफ जो लिखा विद्यार्थी बने इस पर आपको कहना लिखना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो सबसे पहले आपको इसी पेज को फिल करना पड़ेगा। इस पेज में सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर क्या लिखना है, इनरोलमेंट नंबर वो भी क्या लिखना है, डिजिट में लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे हम गिनती में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का इनरोलमेंट नंबर है 1, 9, 2, 4, 5, 6, 7, यानी इस टाइप क्या होगा आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनरोल पहले पेज में आपको जैसे किसी का इनरोलमेंट नंबर है 1, 9, 3, 2, 7, 8, 5, यानी डिजिट में आपको, यानी एक खाने में एक डिजिट लिखना पड़ेगा, एक खाने में जैसे मेरा है मान लीजिए किसी का है 2, 00, 3, 5, 7, 8, 0, 2, 9, इस तरह क्या होगा आपका इनरोलमेंट, आपको इसी तरह इस इनरोलमेंट नंबर को भरना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट में तो आपको इस तरह भरना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में जो आपको इनरोलमेंट भरना है सेकंड में, यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना है, आपको कैसे लिखना है अभी मैं लिखा हुआ भी दिखाऊंगा कैसे लिख रखा है। सेकंड में आपको कैसे जो इनरोलमेंट कैसे लिखना वर्ड में लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें फर्स्ट में लिखोगे, जैसे पहले आपने 1 लिखा है तो 1 को O N E फर्स्ट में लिखो, जैसे इस खाने में O N E, दूसरे में T2 लिख रहा है TWO, इसी प्रकार से, यानी आपको यहाँ पर जो आपने जो अंकों में लिख रखा है जैसे 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, तो इस खानों में वही चीज़ों को लिखना पड़ेगा, ऊपर 1 है नीचे O N E 1 लिखो, यहाँ 2 लिखा है दूसरे में TWO लिखो, यहाँ पर 3 लिखा है, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिख भी रखा आपके लिए ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ से लिखना पड़ेगा। जैसे आपको इनरोलमेंट नंबर अगर आपको डिजिट में लिखनी है तो इस तरह, जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे 2, 00, इस टाइप से आपको इनरोलमेंट नंबर इस टाइप से पहले वाले पेज में जो आपको डिजिट में लिखना है ऐसे लिखना है। जब आपको वर्ड में लिखना, वर्ड में आपको कैसे लिख सकते हैं, वर्ड में मैं थोड़ा सा बताता हूं, यहां से थोड़ा देखिएगा, वर्ड में आप कैसे लिखेंगे, जैसे पहले में लिखा है आपने 1 लिखा है तो पहले वाले में यहाँ 1E1 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 लिख रहा यहाँ पर फिर आपको 2 लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो आपने गिनतियाँ लिख रखी हैं सेम, जैसे 1 लिखा तो मैंने यहाँ पर O N E 1 बताया, 2 लिखा यहाँ पर TWO, 3 लिखा तो THRE, 4 लिखा तो FUR 4, 5 लिखा तो FIVE, 6 लिखा SI 6, 7 लिखा SWEN 7, 8 लिखा EIGHT 9, लास्ट में मैंने 0 लिखा 0। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे O N E, जैसे किसी ने लिखा 1, 9 तो यहाँ लिखो 1, फिर दूसरे में आपका 9, यहाँ लिखा 6 लिखा तो यहाँ 6 लिखो, यहाँ पर 9 लिखा तो यहाँ पर 9, ये को आपको बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने लिख रखा है सेम आपको इसको वर्ड में इस टाइप से लिखना पड़ेगा, इस टाइप से वर्ड में लिख, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड लिखने नहीं आते हैं तो इस टाइप भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड नहीं लिखने आते हैं तो इस टाइप से आप लिखेगा, जैसे यहाँ पर 1 लिखा तो लिखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस टाइप से हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी जो आपको शब्दों में लिखना है आप चाहे इंग्लिश में लिखो 1, O N E 1 लिखो, चाहे 1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही। इसी तरह से क्या करना पड़ेगा आपका जो इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, पहला आपने तो डिजिट में बता दिया भैया 1, 2, 3, 5 गिनतियों में लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको जैसे O N E, फिर हर एक डिजिट को अलग अलग जैसे मैंने लिख रखा है ना आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लेकर के आऊँ ताकि आपको समझ में आए, चाहे आप इंग्लिश में लिख देना चाहे आप हिंदी में,
बहुत सारे स्टूडेंट किसी को जैसे भाई 1 2 3 4 7 8 9 9 कैसे लिखें या नाई या नहीं कैसे लिखना किसी को पता नहीं है तो 9 भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। एक पहला आपको ऐसे फिलअप करना है, ठीक है। आपने इनरोलमेंट नंबर तो फिल कर दिया, पहला दो पॉइंट क्या हो गया, हमने इनरोलमेंट नंबर डिजिट में और वर्ड में दोनों मैंने लिख दिया, आपको बता दिया कैसे लिखना। उसके बाद क्या आपको लिखना पड़ेगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा कोड यानी एग्जाम सेंटर कोड। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, इस खाने में एग्जाम सेंटर कोड आपका क्या है। एग्जाम सेंटर कोड आपको कहां से मिलेगा, आपका जो होल टिकट होगा ना, आपके होल टिकट पर एग्जाम सेंटर कोड लिखा होगा, आपको जो होल टिकट मिलेगा। चलिए मैं आपको होल टिकट दिखाता हूं कहां से मिलेगा एग्जाम सेंटर कोड, जो आपको लिखना पड़ेगा कहां से लिखना पड़ेगा। देखिएगा, टिकट मिलेगा आप जब आपका जो होल टिकट रिलीज होगा या आपको कुछ ऐसा ही होल टिकट में, होल टिकट जब आप देखोगे तो होल टिकट में आपके यहाँ पर एक चीज लिखी रहेगी एग्जाम सेंटर कोड। तो यहाँ ऐसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखोगे एग्जाम सेंटर कोड आपका लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम सेंटर कोड है 1078D, क्या है 1078D, आपको यही कोड वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो होल टिकट होगा उसमें लिखा रहेगा, यहाँ पर अगर देखोगे एग्जाम सेंटर कोड क्या लिखा है 1078D, ये आपका एग्जाम सेंटर कोड वहीं पर लिखना पड़ेगा। चलिए कैसे लिखना होगा बताते हैं, जब आप आएंगे ना तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा एग्जाम सेंटर कोड में जैसे क्या था 1078D, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम सेंटर कोड, यहां पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। अरे आपको कहां पर मिलेगा, आपके होल टिकट में लिखा रहेगा। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिन लिखना पड़ेगा। जैसे दिन आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए आज का दिन क्या है सोमवार, तो आप यहाँ लिखेंगे सोमवार लिखेंगे, या आप मंडे लिख सकते हैं, मंडे लिखा। फिर आज की डेट कितनी है, तो आपको डेट भी जैसे यहाँ पर लिखा मंडे, मंडे लिख दिया। फिर आज आपकी डेट यहाँ पर कितनी होगी, जैसे आप पहला एग्जाम है 22/7/2022, ऐसे आपको फिर डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद दिन और दिनांक लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्यक्रम कोड। कार्यक्रम कोड का मतलब आपका क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम कोड कौन सा है, ठीक है। चाहे आप BAG के स्टूडेंट है, BCOM जी के स्टूडेंट है, BSc जी के स्टूडेंट है, या आपकी मास्टर डिग्री है, MHI है, या MHI हिस्ट्री है, ये भी आपको आपके होल टिकट पर देखने को मिलेगा। आपका जो पाठ्यक्रम कोड है ये भी आपको होल टिकट में मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ होल टिकट में आपको कहाँ पर मिलेगा, होल टिकट में भी आपका लिखा रहेगा। जैसे मैंने बता दिया BAG है, आप सिर्फ जैसे BAG के स्टूडेंट है, यहाँ पर आप लिख देंगे BAG। अगर BSc जी के स्टूडेंट हैं तो लिख देंगे BSc जी, ठीक है। BCOM जी, जैसे आप MHD मास्टर ऑफ हिंदी के स्टूडेंट हैं तो MHD लिख दें, MHD, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। यानी यहाँ का क्या करना पड़ेगा, आपके होल टिकट पर आपका जो पार्ट प्रोग्राम कोड है यानी उसको भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम कोड भी होल टिकट में रहता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, प्रोग्राम कोड रहेगा वो भी आपको होल टिकट में मिलेगा। जैसे आप अपने होल टिकट को खोलेंगे ना तो आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा, और इनरोलमेंट के बाद आपका प्रोग्राम कोड कौन सा, जैसे इनका BAG है, उसी प्रकार से आपका जो भी प्रोग्राम कोड रहेगा, मास्टर ऑफ हिस्ट्री है MHI लिखा होगा, मास्टर ऑफ हिंदी है MHD लिखा होगा, अगर आप BSc जी तो यानी BAG लिखा है, या आपको इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, आपका जो पाठ्यक्रम कोड होगा आपके होल टिकट पर जहां पर इनरोलमेंट नंबर लिखा है उसी के साथ में आपका पाठ्यक्रम कोड लिखा होगा। यही यहां पर जो BAG लिखा है यही चीज़ें आपके होल टिकट में मिलेगी, पाठ्यक्रम कोड वो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा जैसे बताते हैं, देखिए बोला था यहाँ पर जो पाठ्यक्रम कोड है, जैसे इनका पाठ्यक्रम क्या था BAG, ये अपना BAG लिख देंगे, ठीक है, BAG इन्होंने लिख दिया, पाठ्यक्रम कोड हो गया। उसके बाद हमें क्या भरना पड़ेगा, कोर्स टाइटल पाठ्यक्रम कोड आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जब आपने कार्यक्रम कोड तो भर दिया BAG, चलो भर दिया आपने BAG, BCOM जी, BSc जी, MCOM, MSc आपने ज़्यादा से भर दिया। उसके बाद क्या रहेगा, आपका कोर्स कोड रहेगा। कोर्स कोड क्या होता है, जो आपका पेपर रहेगा, जैसे आपका हिस्ट्री का पेपर है BHIC 131, पॉलिटिकल साइंस का है BPSC 131, इस प्रकार से आपको जैसे यहाँ पर क्या BHIC 131, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, दोनों चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में आपका पाठ्यक्रम कोड लिखा रहेगा कि आपका पाठ्यक्रम कोड क्या है, यानी आपका पाठ्यक्रम कोड रहे क्या रहेगा, आपको आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा,
ठीक है, या आपका जो होल टिकट होगा वहाँ पर भी आपका पाठ्यक्रम कोड लिखा होगा आज किसका एग्ज़ाम है। आपका जो अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको पाठ्यक्रम कोड में, चलिए पाठ्यक्रम कोड कहाँ से लिखोगे मैं दिखा देता हूँ, वैसे आपको पता रहेगा किसका पेपर है उसका कोड लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया BHIC 131, BPSC 131, BHDC 131, इसी प्रकार से MHI 01, MHI 02, MPS 01, MPS 02, इस प्रकार से आपके कुछ कोड रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पेपर भी बता देता हूँ, देखिएगा एग्जाम देने जाओगे ना तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में जब जाओगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोड यही है, यही है ठीक है, कोर्स कोड यही है, ठीक है, कोर्स कोड यही है। जैसे इनका क्या है BHIC 133, ये आपको BHIC 131 आपको इस प्रकार से मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कौन सा इसका कोड है, ठीक है। उसके बाद एक आता है कोर्स टाइटल, उस पर जैसे आपने यहाँ पर भी BHIC 131 लिख दिया, उसके बाद इस बुक का नाम क्या है, आपको कोर्स टाइटल में बुक का नाम लिखना पड़ेगा, भारत का इतिहास प्राचीनतम से काल से 300 ईस्वी तक, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कहाँ पर लिखना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं, आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बोला आपने कोर्स कोड लिख दिया BHIC 131, फिर आपको कोर्स टाइटल लिखना पड़ेगा। कोर्स टाइटल भी क्या मिलेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें मिलेगा। जैसे आपकी बुक का नाम क्या है, जैसे आपने बोल दिया कि जैसे आपकी बुक का नाम है BHDC 131, तो उसका आपको उसका लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे आपका कोड है VEVE 181, तो वह क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी, उसका आपको कोर्स टाइटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको यहाँ पर भाई मेरे, आपको कोर्स टाइटल लिखना पड़ेगा। कोर्स टाइटल जो होगा वो भी आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहेगा। कोर्स टाइटल कहाँ पर, आपके क्वेश्चन पेपर पर कोर्स टाइटल भी मिलेगा। कोर्स टाइटल कहाँ पर मिलेगा चलिए वो भी बता देता हूँ, ठीक है, पेपर मिलेगा जैसे आपका कोर्स कोड ए है BEGC 134, और कोर्स टाइटल जैसे BEGC एक क्या है, कोर्स कोड है, एक कोर्स टाइटल है रीडिंग द नोबल, ये क्या है एक कोर्स कोड है और रीडिंग द नोबल क्या है, कोर्स टाइटल है। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का आपका रहेगा। दूसरे सब्जेक्ट है जैसे मैं बताऊँ इसका, अगर मैं आपको बताता हूँ तो इसको देखिएगा BHIC 131, ये आपका कोर्स कोड है, ठीक है, और कोर्स टाइटल क्या है, एक कोर्स कोड है BHIC 131, और आपका कोर्स टाइटल क्या है, ए रहेगा भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से 300। ये आपको क्वेश्चन पेपर पर कोर्स कोड और कोर्स टाइटल आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, जहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। वैसे आपके होल टिकट में भी इन चीज़ों को लिखा रहेगा, तो वहाँ से आप अपना बुक का कोड क्या है और बुक का नाम क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिल करने के बाद क्या रहेगा, अगर आपने अपना कोर्स टाइटल फिल कर दिया उसके बाद क्या हमें फिल करना पड़ेगा, मीडियम फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एग्ज़ाम है तो आपको कौन से मीडियम में देना है, चाहे आप हिंदी लिख सकते हैं इंग्लिश में, आपका क्वेश्चन पेपर अगर हिंदी में तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में, यानी लैंग्वेज कोर्स हमें लैंग्वेज करना पड़ेगा। और अगर लैंग्वेज कोर्स नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर क्वेश्चन पेपर हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपका जो मीडियम रहेगा, यानी आप जो पेपर लिखने जा रहे हो वो किस में लिख रहे हो, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा हिंदी लिखना है या आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, या आपको इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर ENGLIS इंग्लिश में लिखना है, ये भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा हिंदी इंग्लिश। उसके बाद क्या यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप कर रहे हो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, साइन ऑफ एग्जामिनेशन, आपको क्या आपको अपना यहाँ पर क्या करना है, अपना साइन कर देना, अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम होगा अपना साइन कर देना, ठीक है। इतनी चीज़ें क्या रहती हैं, फ्रंट पेज में फिलअप करना रहता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ पर आपको मीडियम क्या रहेगा, उस मीडियम फिलअप यहाँ साइन कर देना है। और साइन करने के बाद यहाँ एक चीज़ रहती है, इस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ, ये जो लिखा है, ठीक है, ये क्या है, बुक की डिजिट है, यानी जो आपकी बुक है ना, जैसे इसका बुक का कोड है, जो आंसर सीट है आंसर सीट का कोड रहता है, ये आंसर सीट आपको कोड भी लिखना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पर सभी बच्चों के लिए आपको आंसर सीट मिलेगी, सबको अपना आंसर सीट का नाम, जिसको सिग्नेचर सीट बोलते हैं या अटेंडेंस सीट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपको वहाँ पर एक सीट मिलेगी, सभी को मिलेगी, जैसे पहले को मिली, सभी लोग अपना फिलअप करते चले जाते हैं, आपको अटेंडेंस सीट मिलेगी, वहाँ पर आपको ना ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी। बुक में सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है, जैसे 06345 10, ये क्या है, आपकी आंसर सीट का कोड है, ये आपको जो वहाँ पर अटेंडेंस सीट बोलते हैं या सिग्नेचर सीट बोलते हैं मिलेगी, वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा।
उसके बाद फिर पी लिख देना, प्रेजेंट हूँ, उस पर आपकी प्रेजेंटी लगेगी। अब खुद ही लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे टीचर जो रहेगा ना कुछ समय के बाद आएगा, बोलेगा कि अटेंडेंस सीट है, सभी अपना अटेंडेंस इसमें लिख दो, तो आपको इस कोड को लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा और अपना साइन कर देना। वहां पर आपका नाम लिखा रहेगा, राम इनरोलमेंट नंबर उसको सीट में लिखा रहेगा, सीट रहेगी, ठीक है, कंप्यूटराइज सीट रहेगी, प्रिंटेड प्रिंट आउट रहेगा, उसमें आप लिख देना आई सीट का, सीट को लिख देना और फिर अपना अटेंडेंस सीट में आप प्रेजेंट लगा देना और अपना सिग्नेचर कर देना। ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको करनी रहेगी एग्जाम सेंटर में। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूं तो आपको अपना हॉल टिकट और आईडी कार्ड लेकर के जाना रहेगा। क्या लेकर के जाना है? आपको अपना हॉल टिकट और आईडी कार्ड लेकर के जाना रहेगा। जब आपको एग्ज़ाम देने हो तो पहला जो आपको पेज मिलेगा इसी प्रकार का फ्रंट पेज रहेगा और इसी प्रकार का रहेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आपको आपका इनरोलमेंट नंबर या फिर उसको डिजिट में लिख देना 1 2 3 करके, फिर आपका परीक्षा कोड क्या है, एग्जाम सेंटर कोड लिख देना, डेट कौन सी, तारीख कौन सी यहाँ पर फिल कर देना, आज कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, आपका प्रोग्राम कौन सा, जैसे बी ए जी है, बी कॉम जी, बी एस सी जी के स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का है, जैसे बी एच आई सी 131, बी एच डी सी 131, BHIC 134, आप फिर उस बुक का नाम यानी कोर्स विषय यानी जो बुक है उसका कोर्स टाइटल लिख देना, और उसके बाद आप किस मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी मीडियम में दे रहे हो या इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, तो आप अपना मीडियम लिख देना और लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन कर देना। यही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और जो अटेंडेंस सीट आएगी तो यहाँ पर जो लिखा है इसको लिख देना 0634510 इस अटेंडेंस सीट में, इसको लिख करके पी लिख करके अपना साइन कर देना। अटेंडेंस सीट बहुत जरूरी रहती है, उसको जरूर फिल करके आना है, आपको मिलेगा वहाँ पर, जो आपको थोड़ी देर में हर एग्जाम में आपको मिलता है, जिन्होंने एग्जाम दे रखा उनको पता होगा। तो यही चीज़ें आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपको जैसी थी मेरी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।